हेलो। मेरे को बोल रहे हो? यस। हेलो। आज आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। सो फाइनली आज आपने ये वाला काम कर ही दिया है ना। ये भी बड़ा काम है क्या? कितने दिन से बोल रही थी मैं, सुनते नहीं हूँ। लेकिन तो कौन सुनता है बताओ। चलो थैंक यू, आपने सुन लिया आज और ये वाला काम भी हो गया। सो गाइज, ये जो थैंक पर्दे हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहे थे और ये शॉर्ट हो गए हैं, मतलब फ्लोर से टच हो रहे थे ना, तो आप सभी लोग बोल रहे थे दीदी आप थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए। तो इन्हें मैंने फोल्ड होने के लिए भिजवाया था बाहर और ये करवा के लेके आ गए हैं। अब ये अपनी जगह पर हैंग हो जाएंगे और यहाँ विंडो पर एक और पर्दा हमने एक्स्ट्रा पहले से ही डाल के रखा है। आओ जरा इधर आना, तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो कल नाइट में ही सारे कर्टन जो है ठीक करवा के लेके आ गए थे और बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और इन्होंने सभी जगह जहाँ के जो थे वो इन्होंने हैंग कर दिए हैं। तो ये देखिए नीचे से शॉर्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे तो प्रॉब्लम हो रही थी हमको भी। तो बस ये यहाँ पे हैंग हो गए हैं, उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में। तो अभी मैं आई हूँ किचन में और ये नाइट के बर्तन है जो मैंने क्लीन करके रखे थे। मैं कभी भी नाइट में बर्तन ऐसे ही छोड़ती नहीं हूँ, क्लीन करके ही रखती हूँ। तो बस उन्हें भी जगह पे लगाती जा रही हूँ, साथ में बना रही हूँ चाय, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने चाय भी नहीं पी है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है, बट उठ तो हम लोग 7 साढ़े 7 बजे ही गए थे। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आज की डेट है 27 नवंबर और आज है वेडनेसडे। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ चाय और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो लेट हो गए हैं थोड़ा सा और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, इसलिए लेट हो गए हैं। उठ तो हम लोग बहुत जल्दी गए थे क्योंकि आज एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ थोड़ी देर में ही शेयर करूंगी अपने हस्बैंड जी के साथ में। तो अभी तो फिलहाल बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक चाय ही नहीं पी। और दीदी आई हैं, वो घर का सारा काम कर रही हैं, तो क्लीनिंग वगैरह तो सब हो गई है घर की। बस मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के बाद जस्ट मैं शावर लेने के लिए जाऊंगी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनेगा। तो चाय बन जाए उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और आपको वो गुड न्यूज़ बताते हैं। तो यहाँ मैंने बोल में ली है दूध की मलाई थोड़ी सी 1 चम्मच और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब इसका क्या करना है ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। सो गाइस, मैं आज लगा रही हूँ ये फेस पैक जिसे आप बोल सकते हो। मुझे किसी ने कमेंट किया था यहाँ पे, मैंने 1 चम्मच जो है मलाई ली है, घर की मलाई है, ये दूध से निकाली है मैंने, फ्रेश है। और इसमें मैंने थोड़ी सी टर्मरिक ऐड की है, हल्दी पाउडर, जो कि मैं घर पर ही बनाती हूँ क्योंकि मार्केट के हल्दी पाउडर में ना मिलावट आती है। तो फेस के लिए मैंने घर पर ही बना के रेडी किया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, एक चुटकी ही डाला था। तो मेरे पास कमेंट आया था कि ड्राई स्किन के लिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं। तो जैसे कि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में क्या हमारी जो स्किन है वो रूखी रूखी सी होने लग जाती है और खिंची खिंची सी लगती है ना कभी कभी। तो इसलिए मैं ना वीक में 1 या 2 बार इस तरह से मलाई तो बहुत जरूरी है हमारे फेस के लिए, जरूर लगाना चाहिए, घरेलू उपाय है बिल्कुल। मैं मार्केट के प्रोडक्ट ज्यादा यूज नहीं करती हूँ जैसे कि हर बार बताती हूँ, तो इसी तरह से मैं अपने फेस की केयर करती हूँ। तो ये मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और इसे 5 मिनट के लिए हमें लगा के रखना है, उसके बाद मैं वॉश कर लूंगी और फिर मैं शावर लेने जा रही हूँ। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है, तो शावर लेने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और मेरे पास एक बार कमेंट आया था कि दीदी आप नहा के बनाते हो नाश्ता या फिर बिना नहाए बनाते हो, तो जैसा मेरे पास टाइम होता है उस तरह से मैं हैंडल कर लेती हूँ। मेरे पास होता है कि मैं नहा कर बना सकती हूँ, टाइम है अभी, इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, तो फिर मैं नहा के बनाती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी होती है जैसे लेट हो जाते हैं, तो आज हम लोग उठ तो बहुत जल्दी गए थे लेकिन हमें, मैंने जैसे कि भी आपको बताया ना कि एक गुड न्यूज़ मिली थी सुबह सुबह, तो बस उसी के चक्कर में हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे थोड़ी देर तक, और मतलब इस तरह से थोड़ा सा टाइम जो है निकल गया। तो चलिए पहले इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, तो मैं हाथों की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी इसे लगा सकते हो अपने फेस पर। तो इसे बस लगाने के बाद 5 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। तो इससे आपकी स्किन में ग्लो आएगा और मतलब जो नेचुरल निखार होता है ना हमारे फेस के लिए, दोनों चीजें ही बहुत ही अच्छी हैं, मलाई भी अच्छी है और टर्मरिक तो है ही हमारे फेस के लिए अच्छा। तो मैं बस इस तरह से अप्लाई कर लूंगी और ये हर स्किन टोन के लिए है, आप कोई भी स्किन पे कोई भी इसे यूज कर सकते हो, इसे मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक और मैं आपको बताऊंगी, आप लोग बोल रहे थे ना कि जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं हमारे फेस पे उसको कैसे रिमूव करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में।
तो आजकल सर्दियां आ गई हैं, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियों में हमें केयर बहुत ज्यादा करनी है अपने बालों की भी, फेस की भी और अपनी पूरी बॉडी की। तो अभी मैं बालों में भी ना अपना हेयर मास्क लगाने वाली हूँ, ओनली दही लगाऊंगी मैं। तो दही से ना बाल एकदम मतलब शाइनी होते हैं, अच्छा होता है दही हमारे बालों के लिए भी, फेस के लिए भी अच्छा होता है और बालों के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं अभी अपना जो है हेयर में भी लगाने वाली हूँ दही। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में इसे लगाने के बाद। सो गाइस मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में और बस ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल सा है, इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने रात को ही ना ये काले वाले चने जो होते हैं ना ये रख दिए थे और ये फूल गए हैं, तो बस यहाँ पे मैंने बॉईल करके भी रख दिए हैं। बॉईल करने मैंने पहले ही रख दिए थे, नहाने से पहले ही धो करके नमक डाला था और बॉईल कर दिया इनको, बस पानी निकाल दिया है और ठंडे हो गए हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है, आप गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, सर्दियों में बहुत सारी वेजिटेबल आती हैं। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो बिना बॉयल किए हुए भी इस तरह से बना सकते हो, लेकिन मैं तो बॉयल करके ही बनाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए। बस यहाँ पे मेरे पास लेमन नहीं था, लेकिन लेमन भी डालना बहुत टेस्टी लगता है। और आप इसमें आलू भी डाल सकते हो बॉयल करके। डालने को तो देखो बहुत चीज़ें डाल सकते हैं, बट मेरे पास यही था। और सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, भूख भी लगने लगी नहाने के बाद, पूजा की मैंने और जस्ट तुरंत बाद मैंने ये ब्रेकफास्ट रेडी किया था। और बस यहाँ पे अब मैं सर्व कर रही हूँ और ये बनके रेडी भी हो गया है। गुड आफ्टरनून गाइस, तो बहुत देर के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ पे बालकनी में बैठी हूँ। बाहर का मौसम ना मतलब बारिश हो गई, आप देख सकती हो, ये देखिए, मतलब लग नहीं रहा है कि दोपहर का टाइम है अभी। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लंच भी कर लिया था, तो लंच मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि डिनर शेयर करने वाली हूँ। और लंच में मैंने सिंपल ही गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था ना इसलिए ये बोले कि पराठे बना लो, तो बस हमने पराठे बना के खा लिए हैं। और अभी इवनिंग में कोई आने वाला है डिनर के लिए, तो कौन आने वाला है ये आपको आगे देखने को मिलेगा इसी ब्लॉग में। तो अभी मुझे डिनर भी रेडी करना है और अभी बज रहे हैं 3:30 और यहाँ पे थोड़ा सा फ्री होके मैं बैठ गई हूँ, सोचा आपसे बातें कर लूँ। और अभी चलते हैं अंदर, तो यहाँ का थोड़ा सा मौसम अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थोड़ी देर के लिए। और आप मेरा फेस का ग्लो देख सकते हो गाइस, देखिए कितनी सॉफ्ट मेरी स्किन हो गई है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है स्किन मेरी, बिल्कुल मलाई के जैसी लग रही है। और ग्लो भी आप देख सकते हो मेरे फेस पे। तो आप इसे वीक में 3-4 टाइम तो ज़रूर कीजिए, आपका स्किन टोन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप नाइट में भी ना मलाई लगा करके सो सकते हो, पूरी रात भर जब वो आपके फेस पे रहेगी और सुबह जब आप अपना फेस वॉश करोगे ना तो बहुत ही अच्छी आपकी स्किन होने वाली है, सच में। मैं पहले बहुत करती थी ये वाला, शादी से पहले मलाई लगा करके सोती थी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अंदर रूम में, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड लग रही है, बारिश हो गई ना दिल्ली में तो अब थोड़ी सी ठंड ना बढ़ जाएगी। तो चलिए चलते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। ठंडी हो रही है आपकी। सो गाइस आज मैंने ना दही लगाया था अपने बालों से, यार आप मेरे बाल देख सकते हो, एक एक बाल हो रहा है मेरा एक एक, और इतनी शाइनी आई है ना, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को बाल, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं दही लगाने से। कभी कभी ना बालों में लगा लेना चाहिए। तो मैं दही लगा के आधे घंटे के लिए ना ऊपर चली गई थी छत पे, धूप में बैठ गई थी, नहीं तो मुझे ठंड लग जाएगी। तो मैंने आज दही लगाया था, ओनली सिर्फ दही लगाया था, उसमें कुछ भी नहीं डाला था मैंने। आप चाहे तो बनाना और हनी डाल के भी अपने बालों पे लगा सकते हो, तो किसी भी कंडीशनर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी जा रहे हो तो उससे एक घंटे पहले आप बनाना और हनी दोनों को मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और उसके बाद अपने बालों पे लगाइए और फिर अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो दीजिए, आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे ना कि बस पूछो मत। ये फ्री में एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, पहले मैंने भी एक दो बार ट्राई किया है, लेकिन यार कभी कभी टाइम नहीं मिलता ना, भूल ही जाते हैं। लेकिन हमें अपने स्किन के साथ साथ अपने बालों का भी ना पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, और खास करके विंटर में, क्योंकि विंटर में ना डैंड्रफ टाइप में होने लग जाता है बालों में,
तो इसलिए मैंने आज ना दही लगाया था। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद मेरे बालों में डैंड्रफ होने वाला है, तो आज मैंने दही लगा लिया और मेरे बाल बहुत अच्छे से हो गए हैं, शाइनी से हो गए हैं। और आज का मौसम ना और तेज बारिश हो गई है, मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ ना तो बाहर और ज्यादा तेज बारिश हो गई है, तो मैंने बनाई है गरम गरम चाय, आप सभी पी लीजिए। और ये है इनकी चाय, पी लो यार ठंडी हो जाएगी फिर। कुछ लाना भी पड़ेगा। लो आप अपनी चाय ले लो पहले, चाय ठंडी हो जाएगी नहीं तो। थैंक यू। और चाय के साथ में आपको एक गुड न्यूज देती हूँ, जो कि सुबह से मैं आपसे बोले जा रही हूँ लेकिन अभी तक शेयर नहीं किया आपके साथ में। तो जैसे ही हम लोग मतलब सो ही रहे थे शायद अपन ना उस टाइम पे, है ना, सो रहे थे ना। हाँ हाँ, उस टाइम पे हम लोग सो ही रहे थे और फोन बजा। किसके लिए बजा था फोन? जी हाँ, इसके लिए बजा था। हस्बैंड जी का नया फोन आ गया है और इसके बारे में ये बताएंगे आपको। लो बताओ। अमेजोन से किया था मैंने ऑर्डर, ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये इसका बॉक्स है, ये आजकल इस तरह से बॉक्स आ रहा है इसका, ये है ना। तो ये फोन कौन सा है पहले तो ये बता देते हैं आपको। ये देख के आपको शायद पता चल गया होगा कि ये देखिए। नहीं, हर किसी को नहीं पता है ना इसके बारे में। वन प्लस 7T है। हाँ, इसका जो मॉडल है ये वन प्लस है। आजकल काफी अच्छा चल रहा है क्योंकि इस बार मैं लेट हो गया। आपको पता है कि काफी दिन पहले ये बताया था कि फोन लेना है, ये मोबाइल मेरा खराब हो गया है। लेकिन इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने काफी सर्च किया कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, बेस्ट कौन सा होगा। देखिए ये सारी चीजें ना रोज रोज नहीं ली जाती हैं, तो हम लोगों ने अच्छे से डिसाइड किया, उसे सर्च किया कि कौन सा फोन ले, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो फिर बाद में आके फाइनल हुआ कि हम लोग वन प्लस ले रहे हैं। यस। और हम लोगों ने शॉप पे भी जाकर के देखा था, लेकिन ये फोन जो है ऑनलाइन ही मिलता है, शॉप पे कम मिलता है ना, ये मिल जाता है। वो लोग भी कुछ इसके वो लोग भी मंगवा देते हैं, बट ये ऑनलाइन ही मिलता है। तो हम लोगों ने इसे कब ऑर्डर किया था? मैंने इसको किया था दो दिन में आ गया, एक दिन में आ गया, वन डे में आ गया। ये 27 है ना। हाँ, 26 को ऑर्डर किया, 26 को ऑर्डर किया था और 27 में ये हमको मिल गया। और सुबह 9 बजे मतलब 9 बजे ये हमको मिल गया, हाथों में आ गया था ये। और देखिए इसमें ये फोन है, ये है ना, और ये इसका केस है, कवर्ड है ना, और बस ये इसका चार्जर है ना, ये वाला बस यही मिला है, चार्जर है और ये इसका जैक है। तो ये और ये फोन ना इतना स्लिम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है लेने में, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। नया हर फोन वैसे अच्छा लगता मेरा है, मेरा मुझे अच्छा तो बहुत सुंदर लग रहा है, इसको तो मैं ही लेने वाली हूँ। अच्छा, इसका 8GB मैंने पता है, मैंने ना रोम इसका 256GB है ना। और दूसरा अच्छा, इसमें ये जो जैक आता था सिंपल, वो आजकल नहीं आ रहा है, तो इसमें ब्लूटूथ वाला या फिर इसके साथ कनेक्टेड करके हेडफोन लगा सकते हैं, लेकिन आया नहीं इसके साथ हेडफोन, अलग से लेना पड़ेगा इसका क्योंकि वो ब्लूटूथ वाला होता है ना। और ये बात मुझे लेने से पहले नहीं पता था सच में। खैर कोई नहीं, ये फोन अब से मेरा हुआ, बिल्कुल ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। ठीक, ओके, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरे पतिदेव का ही है, उन्होंने अपने लिए लिया है। इतना सर्च किया कि मैं कौन सा फोन लूं, कौन सा फोन लूं, नहीं हो गया तुम्हारा। तो बधाई हो, आपका नया नया फोन आ गया, कैसा लग रहा है आपको? बधाई हो आपका, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और मैं अभी इसको देख ही रहा था कि किस तरह से इसका मतलब हर फोन के फीचर्स भी अलग अलग होते हैं और किस तरह से, लेकिन अच्छा है फोन, मुझे पसंद है। मैं और आप बताइएगा कि मेरी चॉइस कैसी है प्लीज, है ना। ये वन प्लस 7T 8GB रैम, 256GB रोम है इसका। बाकी आप लोग सर्च कर सकते हैं, काफी अच्छा फोन है। चूंकि मुझे इसका आपको क्या, आप सर्च कर लेना। तो चलिए इवनिंग में बनाएंगे कुछ मीठा और मुंह मीठा करेंगे। वैसे तो हमने कर लिया है सोन पापड़ी से, क्योंकि देखिए घर में कोई भी नई चीज आती है, चाहे वो फोन हो या फिर घर का सामान हो या कुछ भी हो, मतलब तो उसकी पूजा की जाती है ना। तो मैंने भी मतलब पूजा कर दी है और भोग वगैरह लगा दिया था, तो सोन पापड़ी रखी हुई थी और वो डब्बा भी हम लोगों ने ओपन ही नहीं किया था, तो हम लोगों ने आज ही ओपन किया है। तो बस चाय पीने के बाद अभी बज रहे हैं शाम के 4, और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, और कोई आने वाला है तो दिखाऊंगी आपको कौन आ रहे हैं। और हाँ गाइस, जैसे कि हम लोग मूर्थल गए थे अपनी गाड़ी से, तो गाड़ी के लिए कुछ कमेंट आए थे। जी हाँ, मैं आपको गाड़ी बहुत कम दिखाती हूँ क्योंकि वो पार्किंग में ही रहती है। और फिर मेरे पास ये कमेंट आए थे कि यार ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ, ये गाड़ी हमारी है, अपनी पर्सनल गाड़ी है। और हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो बाहर हम लोग कम निकालते हैं गाड़ी को, क्योंकि
यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब फास्ट लाइफ है, इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, अगर गाड़ी लेके कहीं जाते हैं तो हमें 3 से 4 घंटे पहले ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि क्यों फालतू में, दोनों लोग तो हैं बाइक से जा सकते हैं, तो हम लोग बाइक से ही ज्यादातर जाते हैं, गाड़ी में कम जाते हैं। तो मेरे पास कमेंट आया था कि आप तो रात रात को भी मतलब बाइक से जाती हो, गाड़ी कभी दिखाई नहीं है, मतलब गाड़ी आपकी है क्या? तो बस ब्लॉग हाँ एक बार दिखाया था मैंने, जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था ना तब मैंने दिखाया था कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान अपना गाड़ी से ही रखा था यहाँ पे। तो वो गाड़ी हमारी है और हम लोगों ने 2016 में उसे लिया था। और बस यही मुझे आपको बताना था क्योंकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी सी दूर हो जाए। तो कुछ लोगों को लगता है कि मतलब आज तक मैंने दिखाया नहीं गाड़ी को, तो मैं कुछ ऐसा शो करना नहीं चाहती हूँ कि हाँ हमारे पास गाड़ी है कि नहीं है। तो बस हमारी गाड़ी मारुति वैन है और वो ज्यादातर ना पार्किंग में ही रहती है। और गाइस आप लोग बहुत लोग मतलब चाहते हो कि मैं अपना रेसिपी चैनल स्टार्ट करूं, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं, बहुत दिन पहले भी आए थे लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी दो दो चैनल अपने, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ आप सभी लोग जब इतना बोल रहे हो तो फिर मैं अपना रेसिपी चैनल जो है अलग से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कितने लोग चाहते हो कि मैं अपना चैनल जल्दी से स्टार्ट कर दूं, तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और मैं बहुत जल्दी अपने नए चैनल का अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि मेरे नए चैनल का क्या नाम होगा, और फिर आपके आपके साथ में नई नई रेसिपी शेयर करूंगी। तो मुझे लगता है कि आप सब उतना ही प्यार मेरे नए चैनल को भी दोगे जितना इस चैनल को दे रहे हो, और इतना ही सपोर्ट आप वहां भी मुझे करोगे। तो मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ अपने नए चैनल का नाम। चलिए गाइस मैं जल्दी से विश कर देती हूँ सभी को। तो सबसे पहले है नेहा गुप्ता जी, इनकी एनिवर्सरी है 7 दिसंबर को और इनका एक बेटा भी है, यश नाम है उसका। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। तो नेक्स्ट है दीपिका अग्रवाल जी के बेटे का बर्थडे है 26 नवंबर को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। एंड नेक्स्ट है मंजू मेहरा, इनकी एनिवर्सरी है 30 नवंबर को, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मंजू जी। नेक्स्ट है मीरा प्रजापति जी, इनकी एनिवर्सरी है 3 दिसंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट है सीमा जैन, इनका बर्थडे है 26 नवंबर को, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। एंड नेक्स्ट है आदि हिना जी, इनका 30 दिसंबर को बर्थडे है एंड 26 दिसंबर को एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर हिना जी। नेक्स्ट है श्रद्धा सिंह राठौर, ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट है सुनीता पांडे जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है कृतिका जी का बर्थडे है 18 जनवरी का, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। एंड नेक्स्ट है बेहरोज खान जी, थैंक यू सो मच प्यारे कमेंट करने के लिए। एंड नेक्स्ट ये बेटे हैं सूर्यांश भारद्वाज, इनका बर्थडे है 7 दिसंबर को, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। नेक्स्ट हैं उत्सव सिंह जी, ये भी बेटे हैं और इनका बर्थडे है 5 दिसंबर को, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। एंड नेक्स्ट हैं अर्चना मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नेहा शायद जी, थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हैं संदीप मिश्रा जी, इनका 27 नवंबर को बर्थडे है। एंड नेक्स्ट मानवी यादव, ये बेटी हैं, इनका बर्थडे है 8 दिसंबर को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। कृष्णा शर्मा, इनका बर्थडे है 21 दिसंबर को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। मनीषा असवानी जी की एनिवर्सरी है 28 नवंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। एंड नेक्स्ट है रेनू रानी, इनके हस्बैंड जी हैं शमशेर जी, इनकी एनिवर्सरी है 28 नवंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। नेक्स्ट है विवेक सिंह, इनका इनकी एनिवर्सरी है 28 नवंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड नेक्स्ट है नेहा गुप्ता जी एंड इनके हस्बैंड हैं राज गुप्ता जी, इनकी एनिवर्सरी है 7 दिसंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। एंड गाइस नेक्स्ट है रिंकी राज, इनकी एनिवर्सरी है 27 नवंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड गाइस नेक्स्ट है, बट इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, इनकी आईडी थी मनोज सिंह जी के नाम से, ये चेन्नई से हैं और इनकी एनिवर्सरी है 30 नवंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। एंड नेक्स्ट है सुमन त्रिपाठी जी, इनका 23 नवंबर को बर्थडे था, तो सॉरी मैंने आपको विश नहीं कर पाया लेकिन अब मैं आपको विश कर देती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। नेक्स्ट है शर्मिला वाजपेयी जी, ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट है स्नेहा जी एंड इनके हस्बैंड हैं आशीष जी, इनकी एनिवर्सरी है 28 नवंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। एंड नेक्स्ट है गाइस शिल्पा पंकज शुक्ला जी, इनकी 5 दिसंबर को एनिवर्सरी है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड नेक्स्ट है सिम्मी यादव, इनका 31 दिसंबर को बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। नेक्स्ट है मीरा प्रजापति जी, इनकी एनिवर्सरी है 3 दिसंबर को, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।
एंड नेक्स्ट है गाइज भावना वर्मा जी, इनकी 19 नवंबर को एनिवर्सरी थी, मैंने विश नहीं किया था, सॉरी मैं भूल गई थी, तो अब मैं आपको विश कर देती हूँ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टियर। एंड नेक्स्ट है सीमा जैन जी, इनका बर्थडे है 26 नवंबर को, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड नेक्स्ट है गाइज सीमा साहू जी, इनका बर्थडे है 4 दिसंबर को और ये ओडिशा से हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। नेक्स्ट है हिमांशु तिवारी जी, इनका बर्थडे है 11 दिसंबर को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड नेक्स्ट है सुमन बीस्ट जी हैं, इनका बेटा है, इनका बर्थडे है 29 फरवरी को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। एंड गाइज नेक्स्ट है उमा गुप्ता जी, इनका बर्थडे था 11 नवंबर को, मैं भूल गई थी, विश नहीं कर पाई थी, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट है वंदना जी, इनकी एनिवर्सरी है 24 दिसंबर को, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट है नीरज शर्मा जी, ये देहरादून से हैं और इनकी एनिवर्सरी थी 25 नवंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नीरज जी। और नेक्स्ट है अमन कुमार जी, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। नेक्स्ट है रीना पवार जी, ये भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच प्यारे से कमेंट करने के लिए। गाइस नेक्स्ट है बबीता लावल जी, इनके हस्बैंड हैं रणवीर जी, इनकी एनिवर्सरी है 12 दिसंबर को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। नेक्स्ट है रेणु बाला जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है भावना पांडे जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है निशा भारती जी, इनकी इनका बर्थडे है 12 दिसंबर को और ये पटना से हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। नेक्स्ट है पम्मी जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है पाखी शर्मा जी, इनका बर्थडे है 3 दिसंबर को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। राधिका जी के बेटे हैं यश, का बर्थडे है 24 दिसंबर को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। एंड नेक्स्ट है नमिता कुमारी जी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट है हनी अग्रवाल जी, का बर्थडे है 2 दिसंबर को, जो कि झारखंड से हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर और गॉड ब्लेस। तो स्वीट्स में मैं बना रही हूँ सेवई की खीर, और यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और सेवई डाल दूँगी जो मैं लेके आई थी ना, सेवई जो पैकेट लेके आई थी उसी में से मैंने एक कटोरी सेवई ली है। और मैंने केसर रख दिया है थोड़ा सा दूध में, जिससे वो अपना थोड़ा सा अच्छे से कलर छोड़ देगा। और मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ पे सेवई जो है रोस्ट हो रही है, घी में ही रोस्ट करती हूँ क्योंकि ये रोस्ट नहीं है ना, इसलिए इसे रोस्ट करना है। तो बस यहाँ पे मैंने खीर को बनने के लिए रख दिया है, यहाँ पे सारी चॉपिंग कर ली है मैंने, जो भी कुछ मैं बना रही हूँ अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे जब ये रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद दूध में मैं ऐड कर दूँगी इन सेवई को, और उसके बाद फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, और अब मैं गर्म दूध में इन्हें डाल दूँगी। तो जब तक खीर बन रही है तब तक यहाँ पे मैं आलू की सूखी सब्जी बना रही हूँ, आलू मटर की। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, 2 हरी मिर्च डाल दी है, और यहाँ पे मैंने आलू मटर जो है नए वाले आलू है ये, तो मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार, और बस ये आलू डाल दूँगी। बाकी के मसाले बाद में ऐड करेंगे, पहले आलू को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो मैं ढकती जा रही हूँ लिड से, क्योंकि ना जब आलू डालते हैं ना, क्योंकि पानी के भीगे हुए आलू हैं तो बहुत ज़्यादा छींटे ना गैस पर आते हैं, इसलिए मैंने ढक दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और इसे सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी ढक करके। और यहाँ पे स्पाइसेस बॉक्स में कुछ स्पाइसेस ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हें मैं फिल कर रही हूँ। तो खीर में मैंने चीनी ऐड कर दी थी, चीनी ऐड करने के बाद थोड़ी देर और पकाया था। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर भी डाला है। तो खीर बन चुकी है, लास्ट में मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ये खीर बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस सच में। तो चलिए सब्जी को चेक कर लेते हैं, आलू मटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और साइड वाली गैस पे मैंने दाल को रख दिया है बॉईल होने के लिए, अरहर की दाल बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं सब्जी में, वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं थोड़े से रेगुलर मसाले ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी हमने पहले ही डाल दी थी इसमें। अब सब्जी को एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे, और सब्जी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि सूखी सब्जी में अमचूर पाउडर बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर डालना। और बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, और ये आलू मटर की सूखी सब्जी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में दाल के साथ में।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई डिनर के लिए आने वाला है, इसलिए उनको ना दाल ढोकली ही खानी थी मेरे हाथों की, तो मैं ढोकली के लिए आटा लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, उसमें आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन डाला है, नमक डाला है, अजवाइन डाल रही हूँ और थोड़ा सा मोयन के लिए ऑयल डालूंगी और इसका एक डो लगा के तैयार कर लूँगी। सख्त डो लगाना है। तो मैंने डो लगा के रख दिया था। यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ, ऑयल डाला था उसमें लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च करी पत्ता जीरा एंड सरसों के दाने ये सब डाल दिए थे मैंने, अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ दो टमाटर बारीक कटे हुए और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले में डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी दाल में बॉयल करते टाइम पर और नमक भी ऐड कर दिया था। तो बस ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस मसाला अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी जो दाल मैंने बॉईल करके रखी थी अरहर की दाल, तो ये मैंने दाल ऐड कर दी है और इसमें अभी पानी जाएगा क्योंकि ये अच्छे से बॉईल होगी अभी। तो यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा गर्म करके। तो दाल में बॉईल आ गया है, अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसके बाद ये दाल बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनती है अरहर की दाल। तो ये जो खीर है ये मैं भगवान जी के भोग के लिए लेके जा रही हूँ, इसमें तुलसी का पत्ता डला हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिनर दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। यहाँ पे सेवई की खीर है जो कि मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी है। यहाँ पे आलू मटर टमाटर की सूखी सब्जी बन गई है मसालेदार एंड यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा दाल निकाल के रखी है, जिसको रोटी से खाना है वो रोटी से खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ढोकली का और रोटियों का दोनों का ही आटा लगा के रखा है और यहाँ पे मैंने ढोकली के लिए पानी रख दिया, उसमें ऑयल डाला है और ये ढोकली के लिए दाल है, इसमें ढोकली बना के डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने सैलेड कट किया है, थोड़ी सी है हरे धनिया की चटनी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस ये है आज का हमारा डिनर। अब मुझे ढोकली और गर्मा गर्म रोटियाँ ही बनानी रह जाएंगी और मैंने पूरी किचन को क्लीन कर दिया है क्योंकि खाना बनाते टाइम पे थोड़ी सी मैसी हो जाती है। तो बस ये पूरी किचन जो है क्लीन हो चुकी है। तो जो भैया भाभी डिनर के लिए आ रहे थे वो आ गए हैं, मैं गेट खोलने के लिए आई हूँ। और भैया को तो आपने देखा ही होगा, धनिका को भी देखा होगा, इनकी बेटी है, बट भाभी को नहीं देखा होगा। तो भाभी को मेरे हाथ की दाल ढोकली खानी थी इसलिए आज मैंने उनको इनवाइट किया था। तो बस यहाँ पे धनिका नया टॉय लेके आई है और देने का नाम ही नहीं ले रही थी, बट हमने बोला कि चलो वीडियो में दिखाते हैं, तो फिर उसने हमको दे दिया था। तो ये जो बारबी डॉल है वो लेके आई है और बहुत ही क्यूट सी बेटी है, आपने देखा होगा इसको जब मैंने इसको मेहंदी लगाई थी। तो ये जो क्लिप है ये 2 घंटे के बाद की है। 2 घंटे तक हम लोगों ने खूब सारी बातें की बैठे और बस गप सप चलती रहती है जब कोई आ जाते हैं तो घर पे। तो बस बातें बातें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई ढोकली बनाई और वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है, तो आप देख सकते हो मेरे पिछले वाले वीडियो में। तो बस यहाँ पर मैं सभी के लिए खाना जो है सर्व कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग फिर डिनर करेंगे। तो डिनर तो मैंने आपको दिखाई है मैंने क्या क्या बनाया है और ये भैया भाभी जो है बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है, इसलिए हम लोग इस तरह से बिल्कुल खाना खा रहे हैं जैसे हम लोग घर में खाते हैं। तो मैंने ये सब बनाया था जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ में मैंने पापड़ भी जो है रोस्ट कर दिए थे। तो बस डिनर वगैरह करने के बाद थोड़ी बहुत बातें की, अभी रात के 11:30-11 बजे का टाइम हो रहा था और भैया भाभी और धनिका जो अपने घर जा रहे हैं और धनिका आप सबको बाय बाय बोल रही है। धनिका पहले ही खाना खा चुकी थी इसलिए उसने हमारे साथ में डिनर नहीं किया था। तो बस ये लोग जा रहे हैं। बाय धनिका, बाय।
बाय बाय।